हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हल्दर भास्कर अपने यूट्यूब चैनल न्यू टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग में आप अपना मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके पास ये मैसेज आता ही नहीं है कि आपका आवंटन आया है कि नहीं आया है। दोस्तों, इसके लिए हमें अपने संबंधित सोसाइटी वाले से पूछना पड़ता है कि हमारा आवंटन आया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों, इसके लिए आप स्वयं जानकारी पा सकते हैं। बस अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर देना है, फिर आपके मोबाइल नंबर पे जैसा ही वहाँ गोदाम से ट्रक में आपके दुकान का आवंटन आएगा, उसमें साथ ही आपका मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा कि इस नंबर के ट्रक में आपका इतने क्विंटल ये चीज़ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं इसकी जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब के रेड कलर का बटन दिखेगा, उसमें आप क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस बेल की घंटी को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी नई सी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को देखें। सबसे पहले आप गूगल पे आ जाइए। ठीक है दोस्तों, अब गूगल पे आप टाइप कर दीजिए सीजी खाद्य। ठीक है दोस्तों, ये रहा सीजी खाद्य। यहाँ इस खाद्य विभाग को क्लिक कीजिए, इसके बाद इसका होम पेज खुलेगा। ठीक है दोस्तों, इस होम पेज पे ये देखिए, ये इस तरह से होम पेज आ गया। अब यहाँ पे आप इस जन भागीदारी पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये होम पेज है। इसके बाद देखिए यहाँ ऊपर में ये SMS पंजीयन, ये SMS पंजीयन करके हैं। ठीक है दोस्तों, इस SMS पंजीयन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। अब ये पंजीयन के लिए कुछ डिटेल मांग रहा है। अब यहाँ पे अपना नाम डालना है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका नाम है वहाँ आप यहाँ नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से अपना ज़िला का चयन कर लीजिए, आप जिस भी ज़िले से हैं। तो चलिए, मैं मुंगेली ज़िला से हूँ तो अपना मैं मुंगेली ज़िला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ शहरी या ग्रामीण पूछ रहा है तो जिसके अंतर्गत आते हैं आप चयन कर लीजिए। चलिए, मैं ग्रामीण से हूँ तो ग्रामीण चयन कर लिया। अब इसके बाद विकासखंड पूछ रहा है, चलिए एक विकासखंड चुन लीजिए आप जहाँ से हैं। मैं अपना विकासखंड चुन लिया। ठीक है दोस्तों, अब इस विकासखंड के अंतर्गत जितने भी दुकान हैं वो सारा दुकान यहाँ से आ चुका है, यहाँ क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पंचायत का नाम चुनना है तो चलिए पंचायत को है आप अपना पंचायत चुन लीजिए। तो चलिए, मैं अपना एक पंचायत चुन लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप भी अपना पंचायत चुन लेना। इसके बाद यहाँ से उचित मूल्य की दुकान चुने, यहाँ से अपना दुकान चुनना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो एरो का निशान दिया हुआ है यहाँ ऊपर में, मतलब यहाँ लाना है इसको दुकान को, तो यहाँ आप क्लिक कर दीजिए, ये दुकान यहाँ इस बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ का दुकान सेलेक्ट हुआ था, वो यहाँ आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर इस कैप्चा को डालना है, ये रेड कलर में जो शो हो रहा है उसको यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये सुरक्षित कर देना है, सुरक्षित करने में क्लिक कर दें, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और जब भी आवंटन इस
दुकान का, वहाँ से आएगा तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जो इस तरह से होगा, ठीक है। देखिए ये इस तरह से मैसेज रहेगा, ये शॉप आईडी है, दुकान की आईडी है, इस नंबर पे ये, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए ये चावल है, ये गेहूँ है, शक्कर नमक इतना क्विंटल में दिया हुआ है और डेट। तो इस तरह से आपके मोबाइल में जब भी वहाँ से खाद्यान्न आएगा तो आपको पता चल जाएगा और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप कहीं भी रहिए, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।